हेमंत सर क्योंकि वो स्त्री है, मैं इसलिए मैं तो वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी क्योंकि राज्य में JMM की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इन सब चीज़ों में आवाज़ उठाया जाए और कुछ सही प्रकार से देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। तो आप ये बोल रही हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हेमंत सोरेन जो है वो चुप हैं, देख रहे हैं, उनके मतलब शायद उनको पता नहीं है कि किस प्रकार की चीज़ें हो रही है वहाँ तक, उनके पास तक वो सब चीज़ें आवाज़ें पहुँच नहीं पा रही है। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।